इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर पर होगी आपकी नजर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की लहर मुसलसल तीसरे हफ्ते भी बरकरार, मजीद 5 हदें बहाल हो गई। इसी हवाले से हम मजीद जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं करंट इकोनॉमी। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी 6 लाख रुपए में, क्या ये मुमकिन है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल 12वें कारोबारी सेशन के दौरान भी जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स मजीद 428.17 पॉइंट्स बढ़ गया है, जिसके बाइस मजीद 5 हदें भी बहाल हो गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा माह के तीसरे हफ्ते के दौरान भी मुसलसल तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के बाद से लेकर मुसलसल 12वें कारोबारी सेशन के दौरान भी तेजी देखने को मिली। रवा हफ्ते के पहले ही कारोबारी रोज के दौरान कारोबार का आगाज ही मुस्बत अंदाज में हुआ। पहले ही घंटे के दौरान इंडेक्स 388 पॉइंट्स बढ़ गया था, जिसका ये तसलसल आगे भी देखने को मिला। कारोबार के अख्तिताम पर सरमायाकारों की तरफ से जबरदस्त दिलचस्पी लेने के बाद इंडेक्स में 428.17 पॉइंट्स की तेजी देखने में आई, जिसके बाद इंडेक्स 36,618.57 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 1.18% की बेहतरी भी देखने में आई, जबकि इस दौरान 5 हदें बहाल हो गईं। बहाल होने वाली हदों में 36,200, 36,300, 36,400, 36,500 और 36,600 की हदें शामिल हैं। ट्रेडिंग के दौरान 32,43,78,706 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बाद सरमायाकारों को तकरीबन 1 खरब रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की सबसे बड़ी वजह आलमी इदारों की तरफ से मिलने वाली इमदाद और सरमायाकारों के लिए हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करदा बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ हैं। कवी इम्कान है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते की तरह रवा हफ्ते भी तेज़ी का रुझान देखने में आएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल बेहतरी देखने में आ रही है और उम्मीद यही की जा सकती है कि तेज़ी का ये तसलसल इसी तरह से बरकरार रहे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।